नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपि चक्रवर्ती और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे। बढ़ेंगे हेडलाइंस की ओर। पीएम मोदी का बयान, भारत अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के जश्न को दुनिया भर में बढ़ावा देगा। 14 करोड़ किसानों के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, सुनकर आप भी खुशी से उछल पड़ेंगे। तमिलनाडु के 14 किसानों ने मुख्यमंत्री बघेल से की मुलाकात। ओरिगो मंडी ने एफपीओ और किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वीवीटी कैपिटल के साथ की साझेदारी। पंजाब, हरियाणा और एनसीआर में इस साल पराली जलाने की घटनाओं में आई 31% की कमी। कृषि मंत्री कुलजीत सिंह का बड़ा कदम, बच्चों की पढ़ाई के लिए 1.5 करोड़ रुपए बांटे। किसान अब कर सकेंगे सीधी शिकायत, केंद्र सरकार ने बनाया किसान ग्रीवियंस रिड्रेसल पोर्टल। एक बार फिर दिखा सीएम शिवराज का सख्त अंदाज, जिला योजना अधिकारी को ऑन द स्पॉट किया सख्त। रासायनिक उर्वरकों ने बढ़ाई सरकार की चिंता। सीएम नीतीश ने भागलपुर और कटिहार में कटावग्रस्त इलाकों का किया हवाई निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। WFA के पूर्व निदेशक की सलाह, भारत ऊंचा तापमान सहने वाली फसलों को तेजी से विकसित करे। पूरे देश में पहली बार झारखंड में वितरित किए गए फॉरेस्ट सॉयल हेल्थ कार्ड। अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय मछुआरे की विशेष पहल, बांस से बनाया मछली पकड़ने का जाल। प्रसिद्ध आध्यात्मिक प्रवक्ता श्री जया किशोरी हरदा दौरे पर, मंत्री कमल पटेल ने किया जोरदार स्वागत। बिहार के किसान ने उपजाया आदमी से भी बड़ा कद्दू, देखने वालों का ताना। बढ़ेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के जश्न को आगे बढ़ाएगा और पौष्टिक अनाज की खेती एवं सेवन को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा कारंदलाजे गई है। इनकी अगुवाई में भारत का एक प्रतिनिधिमंडल भी इस समारोह में मौजूद था। कारंदलाजे ने उद्घाटन समारोह के लिए भेजे गए प्रधानमंत्री मोदी के संदेश को सुनाया। बयान के मुताबिक मोदी ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के जश्न को दुनिया भर में ले जाएगा और पौष्टिक अनाजों की खेती एवं उनके सेवन को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की सराहना की। उन्होंने मोटे अनाज का प्रोत्साहन देने के लिए मोटा अनाज वर्ष के आयोजन का भारत का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए विश्व समुदाय को धन्यवाद भी दिया। मोदी ने अपने संदेश में कहा कि मोटे अनाज को उपभोक्ता उत्पादन एवं जलवायु के लिए अच्छा माना जाता है। ये पौष्टिक होने के साथ कम पानी वाली सिंचाई से भी उगाए जा सकते हैं। देश के 14 करोड़ किसानों की बेहतरी के लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जिनसे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा रहा है। पीएम किसान निधि केंद्र की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। सितंबर 2022 तक इसकी किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर हो चुकी है। 13वीं किस्त दिसंबर से मार्च तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किसानों के खाते में भेजी जाएगी। अब देश के 14 करोड़ किसानों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बैंकों को आदेश दिया है। तमिलनाडु प्रदेश से पहुंचे तंजावुर क्षेत्र के 14 किसानों के प्रतिनिधि ने आज शाम सर्किट हाउस गरियाबंद में मुख्यमंत्री से सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने अपने साथ नारियल के पौधे और 5 प्रकार के धान की प्रजातियां मुख्यमंत्री को भेंट किया। कावेरी नदी किसान संगठन के सदस्य सुंदर विमल ने बताया कि यहां छत्तीसगढ़ सरकार के किसान हितेशी नीतियों से प्रभावित होकर उनसे मिलने आए हैं। उन्होंने बताया कि यहां धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है। साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को प्रति एकड़ बोनस राशि भी दी जा रही है। इससे किसान समृद्ध हो रहे हैं। सीएम ने कहा कि तमिलनाडु से 500 रुपए ज्यादा प्रति क्विंटल ज्यादा कीमत पर धान खरीद रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल में 3 महिला किसान भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ किसानों को गन्ना का भी 400 रुपए क्विंटल ज्यादा दे रहे हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। आप जनता के नहीं बल्कि किसानों के भी मुख्यमंत्री हैं। किसान सुंदर विमल ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी और धन्यवाद देकर खुले मन से सराहना की। एग्रीटेक कंपनी ओरिगो कॉमोडिटीज एंड फिनटेक NBFC वीवीटी कैपिटल ने एफपीओ किसानों एवं कृषि उत्पादों के आपूर्तिकर्ताओं को किफायती ब्याज दरों पर 2 करोड़ तक का आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए एक दूसरे के साथ साझेदारी की है। अपने आधुनिक ई मंडी कैश प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए ओरिगो कॉमोडिटीज ने ग्रामीण भारत में अपनी पहुंच बढ़ाने तथा मार्च 2023 के अंत तक इस साझेदारी के माध्यम से कम 100 करोड़ के वितरण का लक्ष्य तय किया है। ओरिगो का ई मंडी कैश प्लेटफॉर्म कृषि उत्पादों
निवेशकों एवं बैंकों को एनबीएफसी के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे किसानों और आपूर्तिकर्ताओं को आसान ऋण सुविधाएं मिल सकेगी। साथ ही बैंक एवं फाइनेंशियल संस्थाएं भी कृषि पीएसएल सेक्टर में अपनी पहुंच बढ़ा सकेगी। ओरिगो की ओर से पेश किया गया ई मंडी कैश पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आपूर्ति श्रृंखला एवं फाइनेंस सुविधाओं को सशक्त बनाने पर जोर देता है। यह स्थानीय मंडियों के विक्रेताओं को कोलेटरल रहित फाइनेंस सुविधाएं उपलब्ध कराता है और बैंक एवं एनबीएफसी को उन लोगों के साथ जोड़ता है जिन्हें वास्तव में ऋण की जरूरत होती है। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के जिलों में 15 सितंबर से 30 अक्टूबर की अवधि में पराली जलाने की घटनाओं की संख्या में कमी आई है। दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर दम घोटने लगी है। नवंबर महीने में दिल्ली एनसीआर का वायु गुणवत्ता औसत 320 दर्ज किया गया है। वही केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले साल के मुकाबले इस साल हरियाणा, पंजाब और एनसीआर में पराली जलाने की घटनाओं में 31.5% की कमी आई है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिले में 15 सितंबर से 30 नवंबर की अवधि के दौरान धान की फसल के अवशेषों को जलाने की कुल घटनाएं और राजस्थान 2021 में 70,000 से भी अधिक घटकर 2022 में 53,792 पर आ गया है, जबकि दिल्ली एनसीआर में पराली जलाने की घटनाएं 4 से बढ़कर 10 हो गई है। मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लिए अपनी सीआरएम योजना के तहत साल 2018 से लेकर साल 2023 तक के लिए 3,062 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। इन धनराशि से पंजाब सरकार को 1,426 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए खरीदी गई मशीनरी की उपलब्धता के संबंध में पंजाब में लगभग 1.2 लाख मशीनें हैं, हरियाणा में लगभग 72,700 और उत्तर प्रदेश में लगभग 7,480 मशीनें खरीदी गई है। पंजाब के कृषि मंत्री कुलजीत सिंह ने नादनवाली राज्य के मध्य विद्यालय के स्कूल उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। बता दें कि कृषि मंत्री कुलजीत सिंह ने बच्चों की पढ़ाई के लिए 1.5 करोड़ रुपए स्कूल के विकास के लिए बांटे हैं। किसान अब अपनी समस्या सीधे केंद्र सरकार को बता पाएंगे, जिसके लिए सरकार ने ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल लॉन्च किया है। कृषि ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल पर किसान बीज, खाद, फसल बीमा हो या अन्य शिकायत कर सकेंगे। रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलने पर कार्रवाई हो सकती है। बीज, फर्टिलाइजर नहीं मिलने की शिकायत सरल होगी। जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में इसका ट्रायल शुरू हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार किसान की शिकायत के लिए निपटारे के लिए किसान ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल लाने वाली है। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में इसका ट्रायल शुरू कर दिया है। पोर्टल पर किसान अपने सुझाव भी दे सकेंगे। पूरे देश में पोर्टल 1 जनवरी को लॉन्च हो सकता है। कृषक अपनी शिकायत एसएमएस, कॉल और ऐप के जरिए कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रौद्र रूप लगातार देखने को मिल रहा है। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदेशी जिला योजना अधिकारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। सीएम ने कहा कि उनके पास विदेशा जिला योजना अधिकारी की बहुत शिकायतें मिल रही है, अफसर अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, इसलिए सीएम उन्हें सस्पेंड कर रहे हैं। बता दें कि मंगलवार को विदिशा के नेट्रेन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का प्रतिमा का अनावरण और समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम चौहान ने कहा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, उन्होंने हमें संविधान दिया, सामाजिक समरसता का संदेश दिया। उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करो। मेरे प्रिय बेटी बेटियों, आज जो हमारा देश चल रहा है वो अम्बेडकर के संविधान के कारण चल रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनता को भी जागरूक रहना होगा, जनता विकास कार्य की मॉनिटरिंग करे ताकि निर्माण पूर्ण रूप से गुणवत्तापूर्ण होगा। सीएम चौहान ने कहा कि विदिशा में हमने सीएम जनसेवा शिविर लगाए थे। एक समय में खेतों की पैदावार बढ़ाने में अहम माने जाने वाले रासायनिक उर्वरक अब सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं। दरअसल ऐसा देखने को मिला है, इनके ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरकता में कमी आ गई है। इसी वजह से सरकार अब नई योजना पर काम कर रही है, जिसमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि प्राकृतिक तरीके से खेती करने पर खेतों की उर्वरकता वापस लाई जा सकेगी, साथ ही सब्सिडी पर होने वाले लाखों करोड़ रुपए का बिल भी कम किया जा सकेगा। हाल ही में एक समारोह में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रासायनिक उर्वरकों के अधिक इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरकता में आई कमी पर चिंता जताते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही थी। कृषि मंत्री ने हाल ही में कहा कि मिट्टी में जैविक कार्बन की कमी हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है।
इस गंभीर चुनौती से निपटने और बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए हमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना होगा, जो पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। कृषि मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई इनोवेशन किए हैं। पिछले वर्ष के दौरान 17 राज्य में 4.88 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के तहत लाया गया। कृषि विज्ञान केंद्र, केंद्रीय और राज्य कृषि विश्वविद्यालय और कॉलेज सभी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज भागलपुर और कटिहार जिले में गंगा नदी से हो रहे कटावग्रस्त क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया और स्थिति का बारीकी से योजना लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण के दौरान भागलपुर जिले के सबोर प्रखंड के इंग्लिश परका, रंगरा चौक प्रखंड के झालूदास, ज्ञानी दास टोला, जहांगीरपुर 82 तथा कटिहार जिले के अहमदाबाद प्रखंड के झाबू टोला गांव का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कटिहार जिला अंतर्गत अहमदाबाद से कुर्सेला तक हो रहे कटाव की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण के दौरान कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड के बागमारा में हेलीपैड पर उतरे। उसके पश्चात बागमारा ग्राम से गंगा नदी से हो रहे कटाव का स्थल निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री को जल संसाधन विभाग के अभियंताओं ने ड्रोन के माध्यम से लिए गए तस्वीर के आधार पर कटाव की वास्तविक स्थिति की जानकारी दी। स्थल निरीक्षण के दौरान नीतीश ने कहा वहां के स्थानीय लोगों और अधिकारियों से कटाव के कारणों और क्षेत्र की विस्तृत जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के भारत में पूर्व निदेशक बिशो पराजुली ने कहा कि भारत कम पानी और ऊंचे तापमान के दबाव को सहन करने की क्षमता रखने वाली फसलों को अपनाने और नई किस्मों के विकास का प्रयास कर रहा है। पराजुली ने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले एक इंटरव्यू में कहा कि तेजी से बदलती जलवायु के मद्देनजर इस कार्य को अधिक गंभीरता से करने की जरूरत है। साल 2022 की शुरुआत में समय से पहले तापमान बढ़ने के कारण गेहूं की फसल पर बुरा असर पड़ा था, जिसके कारण भारत में गेहूं का उत्पादन अनुमानों से कम रहा। पराजुली ने कहा कि हमें खुद को तापमान में बदलाव के अनुरूप ढालने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि इस बात को लेकर चर्चा और प्रयास हो रहे हैं कि कम पानी का इस्तेमाल करने वाली फसलों को अपनाया जाए और नई किस्में लाई जाए। झारखंड के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव एल ख्यांगत ने कहा कि आज हमारी पृथ्वी का भू संरक्षण एवं मृदा की उपजाऊ क्षमता का तेजी से ह्रास होता जा रहा है। अपर मुख्य सचिव ने वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से सामान्य जन में और जन जागृति बढ़ाने के लिए कहा है। आगे कहा कि दिन ब दिन हरियाली कम होती जा रही है। अरुणाचल प्रदेश की एक जीवंत शिल्प परंपरा है और यहाँ की प्रत्येक जनजाति शिल्पकारी में उत्कृष्ट है। बेत और बांस इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण शिल्प है और यहाँ की कारीगरी बहुत उच्च स्तर की है। वह अरुणाचल के सीमंग और सियांग संगम पर स्थानीय मछुआरे द्वारा पोरंग नामक पारंपरिक मछली पकड़ने का जाल बनाया गया है। मछली को स्थानीय रूप से कार परिवार के नगोपो के रूप में जाना जाता है। मछली जाल बांस से बना है, जो स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री है और मुख्य रूप से सर्दियों के समय में मछलियों को फंसाने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रसिद्ध आध्यात्मिक प्रवक्ता श्री जया किशोरी आज हरदा दौरे पर है। वही मंत्री कमल पटेल ने हरदा पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया। आपने कद्दू तो बहुत देखे होंगे, जिसकी लंबाई 1 फीट से 2 फीट तक होती है, लेकिन आज हम जिस कद्दू के बारे में बताने जा रहे हैं, इस कद्दू की लंबाई 5 से 6 फीट तक है। मुंगेर के उगाए इस कद्दू को इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। सदर प्रखंड क्षेत्र के रामगढ़ गांव निवासी किसान चंद्रशेखर सिंह अब क्षेत्र सब्जी उत्पादकों के लिए नजीर बनने लगे हैं। उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति से सब्जी उत्पादनों का प्रयास शुरू किया है, जिसके तहत कम से कम 4 फीट और अधिकतम 6.5 फीट के कद्दू का उत्पादन कर सब्जी विक्रेताओं को उत्साहित किया है। किसान चंद्रशेखर बताते हैं कि वो हमेशा एक नया प्रयोग करते हैं। इसके तहत उन्होंने अपने रिश्तेदारों के यहाँ से एक नई प्रजाति कद्दू का बीज प्राप्त किया, वो उसने अपने घर की जमीन में लगा लिया और वे तब अत्यधिक उत्साहित हो गए जब उन्होंने पाया कि इस प्रजाति के बीज से कम 4 फीट और अधिकतम 6.5 फीट पक्का फसल प्राप्त कर रहे हैं। इसे देखने के लिए अन्य सब्जी उत्पादक किसान पहुंच रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती आमतौर पर ठंडे प्रदेशों में होती है, लेकिन नई तकनीक के माध्यम से गर्म मैदानी इलाके में भी इसकी खेती की जाने लगी है। शिवपुरी के किसान खेती से हटकर नई खेती पर ध्यान दे रहे हैं। इस क्रम में तानपुर गांव के रहने वाले एक किसान राजेश रावत ने अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती की है। उन्हें इसके अच्छे उत्पादन की उम्मीद है और शिवपुरी में तानपुर गांव के किसान राजेश रावत ने अपने खेत में लगभग 7 लाख रुपए की लागत से नेट हाउस शेड का निर्माण किया है।
देश के ज्यादातर राज्य में अब भीषण ठंड शुरू हो गई है। आलम यह है कि पहाड़ी राज्य के कई इलाकों में तापमान अब माइनस में पहुंचने लगा है, जबकि दक्षिण भारत के राज्य में तूफान की वजह से अभी भी भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। बर्फबारी के कारण दिल्ली और आसपास के इलाकों में सर्दी और बढ़ गई है। यही वजह है कि यहाँ का तापमान लगातार नीचे गिर रहा है। यही नहीं, यहाँ के लोगों को कोहरा और प्रदूषण दोनों का सामना भी करना पड़ रहा है। आज बुधवार की सुबह भी यहाँ के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जबकि आज दिल्ली का AQI 329 दर्ज किया गया है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कश्मीर घाटी में शीतलहर का दौर जारी है। यहाँ के कई इलाकों में तापमान माइनस में चला गया है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला और गुलमर्ग में रात का तापमान -3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पर्यटन स्थल पहलगाम में मंगलवार को पारा -3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कांजीगुड़ में न्यूनतम तापमान 0 से 2.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। और आज FTV ऑर्गेनिक के क्विज कॉम्पिटिशन में आपके लिए सवाल है कि स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, और आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 कीमती खनिज, नंबर 2 दलहन, नंबर 3 जूट, नंबर 4 बागवानी और शहद। तो देर किस बात की है, फटाफट से हमें इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते FTV ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन और ढेरों इनाम। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।